हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि जैसे फर्स्ट तो हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं, पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें ना इसका जो वेरिएबल होता है, जो उसका थीटा का वैल्यू होता है वो जीरो से लेके टू पाई के बीच में होता है। इसका जो रेंज होता है वो जीरो से लेके टू पाई के बीच में होता है। तो इसके लिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ द इक्वेशन इन्वॉल्व्स a variable between 0 to 2 pi, that is let us consider x is greater than 0 but less than 2 pi। तो ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसका वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। Then the solution is principal solution। देखो स्टूडेंट्स, ये क्या दिया है, उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, इफ द इक्वेशन इन्वॉल्व्स अ वेरिएबल बिटवीन 0 टू 2 पाई, मीन्स कोई भी वैल्यू क्या से कहां तक होगा, 0 से 2 पाई के बीच में, तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलोगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बोलेंगे हम लोग। अब हम लोग को पता है कि जैसे क्वाड्रेंट में सिस्टम में फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का जो साइन होता है वो दोनों के लिए प्लस होता है। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस, फर्स्ट के लिए दोनों प्लस, फिर बाद में माइनस और प्लस, और थर्ड के लिए माइनस माइनस, एंड फोर्थ के लिए प्लस और माइनस, और ये हमारा हो जाता है ओरिजिन। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, ये पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। अच्छा, इसको हम लोग याद करने के लिए और एक गोल्डन वर्ड से हमारे पास है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। देखो ये ऐड शुगर टू कॉफी, इसमें जो कैपिटल ए है ना, इसका मतलब ये होता है कि ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। कैपिटल ए का मतलब ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। ये जो शुगर का एस है, इसका मतलब साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। ये जो टू का टी है, इसका मतलब टैन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। और कॉफी का जो सी है, इसका मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में जो भी रेंज है, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि जीरो से टू पाई के बीच में होता है। यहाँ पे जीरो आ जाएगा और ये जब कंप्लीट रोटेशन होता जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू पाई। तो अगर कंसीडर कर लो, हम लोग को एग्जांपल में दिया है, साइन एक्स इक्वल टू रूट थ्री बाई टू। तो पहले ये देखना होगा कि साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है। तो कोई भी फंक्शन अगर हम लोग कंसिडर करते हैं ना, तो वो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दो क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। जैसे अगर कंसिडर करते हैं साइन, अब देखो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू प्लस में रूट थ्री बाई टू है, साइन एक्स इक्वल टू प्लस रूट थ्री बाई टू है। तो प्लस में देखो साइन कहाँ पे होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड में साइन पॉजिटिव है, बाकी रिमेनिंग टू क्वाड्रेंट्स में साइन क्या है? नेगेटिव है। तो जो हम लोग का साइन है यहाँ पे, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? जो एंगल है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो एक्स है, एक्स लाइज इन दी फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट,
तो देयरफॉर हम लोग को यहाँ पे हम लोग को दो वैल्यूज मिल जाएंगे, एक या तो हम लोग को पता है कि 90 पे फंक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है y एक्सिस पे, और 180 पे सेम वैसे ही रहता है, तो साइन x इक्वल टू। अच्छा ये बताओ कि रूट 3/2 कहाँ पे होता है साइन के टेबल में, साइन 60 क्या होता है रूट 3/2, तो साइन 60 क्या है रूट 3/2, तो साइन पाई बाय 3। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, x की वैल्यू जो है इक्वेट करके पाई बाय 3। तो फर्स्ट वैल्यू हम लोग को प्रिंसिपल सॉल्यूशन की क्या मिल गई, x इक्वल टू पाई बाय 3। तो नेक्स्ट वैल्यू, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, क्योंकि 60 हम लोग को पता है कि जो है वो 90 से लेस देन है, इसीलिए वो कहाँ पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बट अब हम लोग को सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से मोर देन होगा, तो 90 से मोर देन जाने के लिए देखो क्या करना है ना, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल होगा तो 180 से कम होगा या फिर वो 90 से मोर देन होगा, तो क्या करना है हम लोग को सिर्फ साइन एक्स वैसे लिखो, और यहाँ पे क्या लिखना है साइन 180 में क्या करोगे ना, जो यहाँ पे पहले वाला एंगल था उसको माइनस कर दो, 180 माइनस 60। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन एक्स इक्वल टू साइन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3π माइनस पाई कितना हो जाएगा ये 2π, 2π अपॉन 3, इक्वेट कर लो दोनों को, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2π/3। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2π/3। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ना दो वैल्यूज मिलते हैं, जो दोनों क्वाड्रेंट में अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो देयरफॉर यहाँ पे लास्ट में क्या लिखना होगा अपने को, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, therefore principal solutions are, first वाला देखो angle क्या है pi by 3 है, तो pi by 3 क्या है ये 0 से greater than है, but less than कौन है 2π से, तो therefore pi by 3 is greater than 0 but less than 2π, and second one क्या है 2π/3, तो 2π/3 is greater than 0 and less than 2π। तो इससे हम लोग ने ये देखा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस वगैरह हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।